डाला है साबुत धनिया जो कि 3 चम्मच है, 2 चम्मच जीरा साबुत, साबुत अनारदाना। ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें तेजपत्ता, दालचीनी, बड़ी पीपली, लौंग, छोटी इलायची, जावित्री और काली मिर्च है। इसमें जाएगी साथ में अजवाइन और हम इस मसाले को भून लेंगे। इसमें जो मेन फ्लेवर होता है 2 ही चीज़ों का है, वो है अनारदाना और अजवाइन। और इसको हल्की आंच पे ही भूने, तेज़ आंच पे मत भूने, इससे मसाला जल जाएगा। अब ये साबुत जब मसाले हो जाएंगे तो इसके अंदर मैं पाउडर मसाले डालूंगा और एक साथ इसका मिक्स बना लूंगा। ये मसाले हमारे जो हैं गर्म हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले मिलाऊंगा नमक, हल्दी पाउडर, ये है आमचूर पाउडर, ये काला नमक और ये देगी मिर्च। अब एक चीज़ और है जो हमें इसमें मिलानी है, उसको हमें पहले थोड़ा सा रोस्ट करना पड़ेगा, इनफैक्ट फ्राई करना पड़ेगा। ये है सूखा आंवला और ये है छोटी हरड़, ये 2 से 3 पीस। अब हम इसको इसी में भून लेंगे, इसी तेल में। ये देखिए हमारी हरड़ और कैसे फूल चुकी है, और इसको अब हम उसी मसाले के साथ भून लेंगे। ये मैंने 2 बार के छोलों के लिए मसाला बनाया है, ये 1 बार के छोलों के लिए नहीं है। ये देखिए मसाला हमारा जो छोलों का मसाला है वो रेडी है, अब हम इसको पीसेंगे। ये देखिए ये हमारे जो छोले हैं वो उबले हुए छोले हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट हो रखे हैं। अब इसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था, इसको 1 चम्मच नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया है। अब मैं इसको डायरेक्ट ही ऐसे डाल दूंगा, और ये छोले बिना घी और तेल के बनते हैं, इसको बिना और घी और तेल के बनाऊंगा मैं, 0 ऑयल। इसमें ना ही मैंने कोई आंवला डाला है, ना ही कोई खड़े मसाले डाले हैं, ना ही कुछ डाला है, इसको डायरेक्ट सिर्फ नमक डाल के बॉईल कर लिया है। अब हम इसको बॉईल करेंगे, और इसके साथ में जो चलता है भीगा कुलचा चलता है, और अमृतसर की बहुत ही फेमस डिश है भीगा कुलचा, जिन्हें पिजिया कुलचा कहते हैं, तो मैं वही सर्व करूंगा इन छोलों के साथ। ये देखिए हमारे छोलों को बॉईल आ चुका है पानी को। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे यह है धनिया पाउडर, फिर मैं डालूंगा इसमें कसूरी मेथी। आप ये देख सकते हैं छोलों का कलर कैसे चेंज हो गया डालते ही। अब हम इसको बॉईल करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, ये अदरक का लच्छा है, और अब हम इसको छोलों को ऐसे थोड़ा सा मैश करेंगे इसके अंदर, ताकि छोले जो है रसें इसके अंदर। ये देखिए कैसे गाढ़ापन आ गया इसको। अब थोड़ा सा पानी में और डालूंगा, ये छोले का ही पानी है, इसमें थोड़ी सी घुटाई करनी पड़ती है छोलों की। अब ये वही मसाला है जो मैंने आपको अभी दिखाया था, अब हम इसको इसी छोले में ऐसे डाल देंगे सीधा। मैंने करीबन 3 चम्मच डाला है, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपने छोले की क्वांटिटी के हिसाब से आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और अब ये मसाले के साथ ही मैं इन छोलों को पकाऊंगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने उस टाइम डाली थी, अब थोड़ी सी कसूरी मेथी अब और डालूंगा। आप देख सकते हैं कि छोलों का कलर क्या हो गया है मसाला डालते ही। आप चाहें तो इसके ऊपर तड़का लगा सकते हैं, बट मैं इसको विदाउट घी और तेल के बना रहा हूँ। ये छोले जितना पकेंगे उतना बढ़िया बनेंगे। ये देखिए अब जो हमारे छोले हैं वो बन के रेडी हैं, किचड़ छोले और भीगा हुआ कुलचा। आप इसको कुलचे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, और आप इसको जो बन होता है नॉर्मल बन उसके साथ भी खा सकते हैं। अब मैं इसकी असेंबलिंग दिखाऊंगा आपको। ये मैंने इमली का पानी लिया है और उसके अंदर मैं ये चटनी मिला रहा हूँ, ये हरा धनिया, पुदीना, प्याज, लहसुन और अदरक, इसकी ये चटनी बन गई है। और अब जो है मैं इसको छोलों के ऊपर डालूंगा असेंबलिंग के टाइम पे। सबसे पहले हम कुलचा लेंगे, ये बाज़ार वाला कुलचा है, इसको मैंने इसके अंदर डबो दिया। 2-4 मिनट इसको ऐसे ही रहने दें ताकि ये अंदर से जो इसका ग्रेवी है वो सोख सके, उसके बाद फिर मैं इसकी प्लेटिंग करता हूँ। देखिए हमारा कुलचा जो है सोख हो चुका है, अब मैं इसको ऐसे निकाला, ऊपर थोड़े से छोले डाल दिए आपने। छोले डालने के बाद आप इसके ऊपर डालेंगे चॉप प्याज और ये हमारी चटनी, और ये ऊपर से थोड़ा सा अदरक का लच्छा। अगर किसी को स्पाइसी पसंद है तो वो ऊपर हरी मिर्ची भी डाल सकता है, और ये साथ में थोड़ा सा हरा धनिया। ये हमारा अमृतसर स्टाइल भीगा कुलचा रेडी है।
किचड़ छोलों के साथ। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।